हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है भाई? ये तो फिर से एक नई वीडियो में से विकास स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम एक लॉन्चर का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया है 400 रुपये में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसको भी बाय करना हो। और गाइस, ये वाला काफ़ी काफ़ी अच्छा मिला है भाई। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी सही मिला। ये बेब्लेड किंग्स की तरफ से ही आता है। जो एक तो बेकार वाले लॉन्चर होते हैं, दिखा देता हूँ मैं। एक तो ये वाले लॉन्चर होते हैं, ये बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं गाइस, टूट जाते हैं भाई, ये तभी टूट जाते हैं। फिर आते हैं ये वाले लॉन्चर, ये भी फेक ही है लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला फेक है, दिखाता हूँ मैं अभी। इनका वेट कंपैरिजन देख लेंगे, पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ये देखो भाई, इसकी राइटिंग देखो और इसकी देखो, इन्होंने कुछ अलग ही कर रखा है। ये देखो, राइटिंग से ही पता चल जाता है कितने अच्छे हैं भाई। तो और इसको यूज़ करने में भी पता चल जाता है कि कितना अच्छा है। अरे क्या हो गया भाई, फंस गया? तो सॉरी गाइस, ज़्यादा तारीफ़ कर दी, हजम नहीं हुई भाई की। हाँ ठीक हो गया, ओके ठीक है ठीक है। ये और ये आई थिंक दोनों सेम क्वालिटी के हैं ये दोनों। और इसको मैं 6 से 7 महीने हो गए यूज़ करते हुए, तो काफ़ी अच्छा है ये, तो ये भी काफ़ी अच्छा ही होगा। हाँ ये देखो, सेम क्वालिटी है, इससे पता कर सकते हो। ये वाला हिंज जो होता है ना फेक लॉन्चर्स में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो। ये मेरे को 399 का पड़ा है, तो काफ़ी सस्ता भी है, जाके बाय भी कर सकते हो। ये देखो, इसमें कोई हिंज नहीं है, ये काफ़ी सस्ते प्लास्टिक से भी बना है। इसके अंदर बहुत ही घटिया प्लास्टिक है और इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। और इनका वेट कंपैरिजन भी दिखा दूंगा मैं, और इसको लॉन्च करके भी दिखाएंगे अभी। चलो, मेरे को काफ़ी टाइम बाद में अच्छा लॉन्चर मिल गया है, और इसके मैं 3-4 पैकेट और मंगाऊंगा क्योंकि इमरजेंसी में ज़रूरी होते हैं भाई। देखो, इसके भी कोई हिंज नहीं है यहाँ पे, तो ये घटिया क्वालिटी वाले ऐसे ही होते हैं और ये 2 दिन में टूट जाते हैं गाइस। तो इसका मैं वेट दिखा देता हूँ उसका, उसमें MCL लगी हुई है। इसका 2 ग्राम हम 2 या 3 ग्राम बढ़ा देंगे क्योंकि इसमें ये नहीं है, ये मैंने निकाल दिया था, मैं कुछ बना रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ओके गाइस, अभी देख लेते हैं इनका वेट। 56 ग्राम है, देख सकते हो, 57 लगा लो। और अभी इसका देख लेते हैं, रुको रुको,73 ग्राम है। तो भाई क्लियरली देख सकते हो कितना फर्क है। इसका 57 था, 60 लगा लेते हैं, चलो 60 हो गया उसका। 13 ग्राम फिर भी हैवी है ये। और इसका भी दिखा देता हूँ ये कितने का है। मेरे ख्याल से सेम वेट होगा इन दोनों का। तो यार ये अटक क्यों नहीं रहा, देखो 74 लगभग सेम है भाई दोनों का ही, तो ये अच्छी क्वालिटी का है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको कुछ करता हूँ। वैसे वीडियो छोटी सी होगी, थोड़ा सा ही लॉन्च करके दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, इसको अभी लॉन्च करके भी देख लेते हैं कैसा लॉन्च होगा ये। ओ ये बढ़िया है यार। अरे रुक जा, चाचा। ओ भाई, ओरिजिनल वाला फील आ रहा है इसमें तो। भाई ओरिजिनल वाला फील आ रहा है। चलो ये अच्छा लॉन्चर है गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बाय कर सकते हो। मैं इसलिए लिंक नहीं देता क्योंकि घटिया भी होते हैं, तो ये वाला अच्छा है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था, छोटी सी वीडियो थी, तो आई होप अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।